नमस्कार, मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। नागपुर जिले में बढ़ती जा रही है गुनहगारी की वारदातें। आए दिन गुनहगार दे रहे हैं अपराधों को अंजाम। कुछ ऐसी ही वारदात जिला के कन्हान परिसर में हुई, जहां 20 सड़क पर उप सरपंच को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया। आइए देखते हैं क्या है पूरा वाक्य। शुक्रवार को दिन दहाड़े 20 सड़क पर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना से पुलिस विभाग में खलबली सी मच गई। मृतक विनोद उर्फ भांजा यादव राव सोम कुंवर है। इसकी उम्र 36 वर्ष बताई गई है। यह व्यक्ति गोंडे गांव का उप सरपंच था। पुलिस सूत्रों के अनुसार विनोद के बड़े भाई अन्ना भांडे का डुबरी में ढाबा है। विनोद दोपहर करीब 4:15 बजे ढाबे की ओर जा रहा था। नागपुर जबलपुर का 4 लेन मार्ग पर वराड़ा परिसर में बंद टोल नाके के सामने कुछ अज्ञात लोगों ने उसकी कार को रोककर हमला कर दिया और उसे कार से बाहर खींचकर उसके गले और पेट पर तलवार से वार पे वार किए, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। रास्ते से गुजर रहे राहगीरों ने टोल नाके के बगल में स्थित हाईवे पुलिस बूथ को दुर्घटना की जानकारी दी। थानेदार चंद्रकांत काले अपने सहकर्मियों के साथ मौके वारदात पे पहुंचे और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए कामठी के उप जिला अस्पताल में भेज दिया गया। पुलिस ने घटना स्थल से तलवार की मयान, सोने की अंगूठी और मोबाइल बरामद किया। बड़े भाई बिलास की शिकायत पर कन्हान पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। गौरतलब है कि आरोपियों ने आपसी मतभेद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया, ऐसा प्रतीत होता है। तो वहीं पारिवारिक प्रॉपर्टी को भी लेकर यह वारदात हुई है, ऐसी शंका जताई जा रही है। आखिर क्या है मामला इस हत्या का, हम बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए एमएनएस न्यूज़। नमस्कार।